नमस्कार, आप देख रहे हैं AIN News। गेम के चलते भाई ने ली अपने ही भाई की जान। पबजी खेलने के चक्कर में हो गया इतना मशगूल कि गंभीर रूप से अपने भाई की जान ले ली। आइए बताते हैं विस्तार में ये खबर है क्या। पबजी के चक्कर में 16 साल के लड़के ने की 12 साल के चचेरे भाई की हत्या। नागौर में 16 साल के नाबालिग को पबजी और फ्री फायर की ऐसी लत लग गई कि उसने अपने ही 12 साल के चचेरे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश को जमीन में भी गाड़ दिया। किस तरीके का ये शातिर दिमाग और शातिर बच्चा सिर्फ गेम के लिए अपने भाई की जान ले सकता है। राजस्थान के नागौर में 16 साल के नाबालिग को पबजी और फ्री फायर की ऐसी लत लगी कि उसने अपने ही 12 साल के चचेरे भाई की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश को जमीन में गाड़ दिया। इतना ही नहीं, वह असम में बैठे चचेरे भाई के अंकल को फेक इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज कर 5 लाख रुपए की फिरौती भी मांग रहा था। सोमवार सुबह लाडनू पुलिस ने आरोपी नाबालिग को डिटेन कर उसकी निशानदेही पर गांव के तालाब किनारे जमीन में गड़ी लाश बरामद कर ली। फिलहाल लाडनू CHC पर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। दरअसल 8 दिसंबर को धुड़ीला गांव का एक 12 वर्षीय बच्चा अपनी मामी का मोबाइल लेकर घर से गायब हो गया था। उस बच्चे के चाचा ने अगले दिन पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि बच्चे को पबजी और फ्री फायर खेलने की आदत लग गई थी। इस पर पुलिस ने साइबर तकनीक से बच्चे की तलाशी शुरू करवाई। इस बीच असम में बैठे इसी बच्चे के अंकल को एक इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज आया कि वह बच्चा उसके पास दिल्ली में आ गया है, अगर जिंदा चाहते हो तो 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। परिजनों ने तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने साइबर तकनीकी से जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि जिस इंस्टाग्राम आईडी से फिरौती मांगी जा रही थी उसका आईपी एड्रेस उस मासूम के साथ गायब हो गया मोबाइल का था। लोकेशन उसके गांव की ही आ रही थी। मोबाइल में इंटरनेट दूसरे मोबाइल के हॉटस्पॉट से चलाया जा रहा था। मासूम के नाबालिग चचेरे भाई पर शक हुआ। चचेरे भाई से पूछताछ की, उसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि वो मोबाइल में पबजी, फ्री फायर और 3 पत्ती जैसे गेम खेलता है। इनमें लगातार हुई हार से उस पर कर्ज चढ़ गया था, रुपए की सख्त जरूरत थी। मृतक भी उसके साथ मोबाइल गेम खेलता था। इसके चलते उसने गांव के तालाब किनारे उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उसका मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया, लाश नाले में गिराकर ऊपर मिट्टी गिरा दी। इसके बाद आरोपी नाबालिग ने मासूम के मोबाइल से सिम निकाल कर फेंक दिया। फिर इंस्टाग्राम पर एक फेक आईडी बनाई, दूसरे मोबाइल नेटवर्क से हॉटस्पॉट कनेक्ट कर फिरौती मांगी। किस तरीके का ये 16 साल का बच्चा कितना शातिर और कितना दिमाग वाला हो सकता है, सोचकर अचंभा लग रहा है कि पहले तो हत्या कर दी, बाद में लाश छुपा दी, फिर मोबाइल से सिम कार्ड निकालकर फेक आईडी बनाकर अपने ही चाचा को मैसेज करके फिरौती मांगी। क्यों? क्योंकि वो गेम में पैसे हार गया था। शाबाशी देनी चाहिए ऐसे सोच वाले बच्चों को और बेहद ही इन पर नजर रखनी चाहिए कि किस तरीके की हरकत इसने की है। गेम खेलने के चक्कर में आजकल के बच्चे और आजकल के युवा किस रास्ते पर जा रहे हैं और किस ओर मुड़ रहे हैं, शायद आगे का जो फ्यूचर है खतरे में है। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए AIN News।